नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मैं हूं आपके साथ अलैना खान। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत, ग्रामीणों ने शव रख हाईवे किया जाम। मीरगंज के पैगा नगरी गांव में हाई टेंशन लाइन तार की चपेट में आने से झुलसे एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को हाईवे पर रखकर रोड जाम कर दिया। आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण युवक की जान गई। मिली जानकारी के अनुसार कई बार विभाग को फोन किए मगर किसी ने फोन तक नहीं उठाया। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस मामले में विद्युत विभाग के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। मीरगंज के पैगा नगरी गाँव का रहने वाला विजय गंगवार सुबह करीब 7 बजे के लिए जंगल की ओर जा रहा था। इसी बीच हाई टेंशन लाइन से तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आते ही वो झुलस गया। जानकारी मिलते ही लोगों ने बिजली घर मीरगंज पर कई फोन किए मगर किसी ने भी फोन नहीं उठाया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बरेली दिल्ली हाईवे पर मृतक का शव रखकर हाईवे जाम कर दिया। विद्युत विभाग के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। हंगामा और हाईवे जाम होने की सूचना पर मीरगंज पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई और उनके साथ SDM कमलेश कुमार सिंह, CO सुनील कुमार राय भी पहुंचे। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ ही परिवार को भी मुआवजा मिले। हालांकि पुलिस और प्रशासन दोनों ग्रामीणों को समझाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि इसी दौरान किसी ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख मृतक के सगे भाई से तहरीर लेकर विद्युत विभाग के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। FIR की प्रति मिलने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया।